हाय स्टूडेंट, जैसे कि हमारा गाला का पेपर टू चल रहा है, गाला का पेपर टू कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन ए में फर्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर गए हैं, जिसमें हम ट्रू फॉल्स करके एंड फिल इन द ब्लैंक्स करके हैं। ठीक है, आज हम सेक्शन ए ही कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से कर रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हम कंप्लीट करके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है ना, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या बता रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस और इन वन वर्ड। ठीक है ना, तो अभी 11 नंबर की मीनिंग समझे। देखो क्या मिला हुआ है हमें, स्टेट दी कंडीशन, हमें कंडीशन बताना है फॉर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 + bx + c = 0। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसकी कंडीशन बतानी है टू हैव ऑपोजिट रूट्स, भाई उनके जो रूट्स हो वो ऑपोजिट हो। ऑपोजिट हो मतलब एक प्लस में हो तो एक माइनस में हो। कहने का मतलब भाई सपोज करो एक 10 है तो दूसरा -10 होना चाहिए, ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट हो। तो जो ऑपोजिट होते हैं उनका आप सोचो प्लस, ये 10 और -10, मैं इन दोनों का प्लस करूंगा तो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स कहने का मतलब जब रूट्स जो है ऑपोजिट होते हैं तो उनका जो प्लस होता है, उनका जो सम होता है, मीन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो 0 होता है। ठीक है ना, जैसे कि ये 10 और -10 मैंने लिया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, बराबर ना। अल्फा और बीटा का टोटल क्या है, 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट्स जो है वो ऑपोजिट है, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में है, तो उनका प्लस करोगे तो कंपल्सरी 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा बीटा की फॉर्मूला क्या होती है, -b/a, आपको बताइए अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला -b/a इक्वल्स टू में ये 0, ये -b सेम इक्वल्स टू में 0 सेम, a डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मींस क्या होगा -b 0 को किसी से इनटू करो 0 हो जाएगा, और -b इक्वल्स टू 0 लिखूं माइनस हटा दूं माइनस 0 को दे दूं 0 को कहीं साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 0 लिखो या -0 लिखो कोई सिंबल ही नहीं है, बराबर ना। तो बी इक्वल टू क्या होगा 0, मैंने माइनस सिर्फ हटा दिया। तो ये कंडीशन है कि बी जो है वो 0 होना चाहिए। तो वही बोल रहा था ना, स्टेट द कंडीशन, कंडीशन कौन सी होगी फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 + bx + c टू हैव ऑपोजिट रूट्स, उसकी कंडीशन क्या होगी, बी इक्वल टू 0। इस तरह आप ये मेथड कर सकते हो, भाई b इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स जो होंगे वो ऑपोजिट होंगे। ये हो गया 11 नंबर। अभी देखो 12 में क्या बता रहे हैं, 12 में बता रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब ये 12 नंबर सम मींस आपको d मिला हुआ है, d क्या मिला हुआ है 5/2, इस तरह दिया गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा ऑफ इट्स 15th टर्म एंड 5th टर्म, 15th टर्म और 5th टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो बताना है। तो बिल्कुल इजी है, ये फॉर्मूला d = tm - tn / m - n, ये वाली फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से कर रहा हूं मैं। तो देखो क्या होगा, d डिफरेंस तो आपको दिया हुआ है 5/2, d मिला हुआ है, और tm मतलब m की जगह मैं 15 रखूं क्योंकि 15th टर्म, माइनस यहां पे सॉरी t लिखो या a लिखो, ध्यान रखो क्योंकि आपके बुक में a लिखा हुआ है, तो हम इस तरह लिख रहे हैं क्योंकि t भी लिखा जाता है इस तरह, am - an / m - n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो d आपको मिला हुआ है 5/2, am मतलब 15th टर्म, m की जगह मैं 15 रख रहा हूं, और an मतलब n की जगह मैं 5 रख रहा हूं 5th टर्म, क्योंकि 15th टर्म और 5th टर्म के बीच में हमें डिफरेंस चाहिए। तो डिवाइड में भी जैसे m की जगह 15 रखा तो यहां पे m की जगह 15 माइनस n की जगह पे 5, ठीक है ना, इस तरह रखना है। फिर क्या होगा, ये 5/2 सेम इक्वल्स टू में ये a 15 सेम माइनस a 5 सेम, a 15 मतलब 15th टर्म, a 5 मींस 5th टर्म, ठीक है ना, एंड डिवाइड में 15 में से 5 गया तो 10 होगा, 10 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5/2, 10 यहां पे मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल्स टू में a 15 माइनस a 5, 2 का डबल लगाओ 2 1 जा 2 5 जा, दोनों का मल्टीप्लाई 25,
25 इक्वल्स टू A15 माइनस A5। तो आपको देखो वही पूछ रहा है व्हाट वुड बी द डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा बिटवीन मींस 15th टर्म एंड 5th टर्म। तो 15th टर्म और 5th टर्म, ये 15th टर्म ये 5th टर्म, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया 25 आया। ये है ना A15 मतलब 15th टर्म, A5 मतलब 5th टर्म, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 25 है। तो आपका आंसर क्या हुआ 25 होगा। इस तरह आपको करना है। ओके तो यहाँ पे 11 और 12 कंप्लीट हो गया। ओके अभी इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है। तो देखो 13 में क्या मिला हुआ है, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ इफ PQ डिवाइडेड XY इक्वल्स टू QR डिवाइडेड बाय YZ PR डिवाइडेड बाय XZ इक्वल्स टू 2/5 ये आपको दिया गया है। आगे क्या बता रहा है, देन फाइंड PQR रेशियो XYZ। PQR मतलब ये एरिया शो कर रहा है, एरिया ऑफ PQR, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जाता है एरिया ऑफ PQR, ठीक है, सिर्फ ऐसे लिखाओ या ऐसे लिखाओ इसका मतलब समझ जाना कि आपको एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ PQR रेशियो एरिया ऑफ XYZ आपको वो फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको बता होनी चाहिए, एरिया ऑफ PQR डिवाइड में एरिया ऑफ XYZ, ठीक है, उसकी फार्मूला होती है, आप कोई भी साइड ले सकते हो, ये PQR और XYZ है। अगर जो आप PQR ले रहे हो तो यहाँ पे PQR ले रहे हो तो कंपलसरी यहां से XY लेना पड़ेगा डिवाइड में XY, ठीक है ना, कोई भी साइड ले सकते हो। अगर जो PQ ले रहे हो तो यहां से XY, अगर जो QR लोगे तो YZ लेना पड़ेगा, अगर जो PR ले रहे हो तो XZ लेना पड़ेगा। कोई भी आप एक साइड ले सकते हो, उसकी करस्पॉन्डिंग दूसरी साइड लेनी है। और दूसरी बात, एरिया में क्या आता है, स्क्वायर आता है, PQ स्क्वायर डिवाइडेड XY स्क्वायर, इस तरह आता है ये फॉर्मूला। एरिया में स्क्वायर आता है, पैरामीटर में स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो PQ स्क्वायर डिवाइड में XY स्क्वायर, तो ये आप देख सकते हो PQ अपॉन XY। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PQ अपॉन XY स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ PQ डिवाइड में XY होल स्क्वायर, क्योंकि क्या है PQ की स्क्वायर है XY की स्क्वायर है, तो इसको मैं होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी इसके इक्वल्स में क्या रखूंगा मैं, PQ डिवाइडेड XY क्या मिला हुआ आपको 2/5, तो मैं इसकी जगह पे रख सकता हूँ 2/5 और उसकी स्क्वायर करूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसकी स्क्वायर करूं, इसके इक्वल्स में क्या आएगा, 2 की स्क्वायर 4 होगा, 5 की स्क्वायर 25 होगा, 5025। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4/25 मतलब 4:25। तो कहने का मतलब एरिया ऑफ PQR डिवाइड में एरिया ऑफ XYZ इक्वल्स टू 4/25, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:25, क्योंकि हमें रेशो में लिखना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो PQR रेशो XYZ क्या होगा 4:25। सिर्फ ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, आगे AR मीन्स एरिया लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये 13 नंबर कंप्लीट हो गया। अभी देखो 14 में क्या बता रहे, इफ साइन A इक्वल टू 1/2 है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट A, मतलब साइन A मिला हुआ है और हमें कोट A फाइंड करना है। तो इसके मैं दो मेथड करा रहा हूं। देखो सबसे पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। तो मैं ये रफ कर रहा हूं, इसके बाद मैं अभी ये 14 नंबर कर रहा हूं, उसमें क्या दिया हुआ है आपको, साइन A मिला हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कॉस A फाइंड कर रहा हूं, इसकी फॉर्मूला कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर A, ये फॉर्मूला है, ठीक है, कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर A। तो ये 1 - साइन की जगह पे क्या रखूंगा 1/2 होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 1 - 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 4 - 1 = 4, -1 डिवाइड में 4, फिर 4 - 1 गया 3 एंड डिवाइड में 4, ये कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर उससे लेके जाऊंगा तो रूट हो जाएगा, मींस कॉस A इक्वल टू क्या होगा 3/4 उसका रूट होगा, मींस कॉस A इक्वल टू क्या होगा 3 का रूट नहीं निकलेगा, √3 एंड डिवाइड में 4 का √2 होगा, मतलब ये कॉस A हमें मिल गया √3/2। अभी हमें फाइंड क्या करना है, कॉट A, ठीक है ना, हमें फाइंड करना है कॉट A, तो उसकी फॉर्मूला होती है कॉस A डिवाइडेड साइन A। तो देखो कॉस A आपका क्या आया √3/2 आया, और साइन A आपको क्या मिला हुआ है
वन अपॉन टू, तो देखो टू टू कट जाएगा, रेवेन्यू क्या बचा रूट थ्री अपॉन वन, मीन्स क्या हुआ रूट थ्री डिवाइड में वन, डिवाइड में वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉट ए जो आया आपका रूट थ्री आया, ठीक है ना। तो इस तरह कर सकते हो। इसका मैं दूसरा मेथड भी करा रहा हूं, देखो सेकंड मेथड इस तरह आप कर सकते हो, सेकंड मेथड ओके भाई, देख सकते हो आप साइन ए इक्वल टू क्या मिला हुआ है वन अपॉन टू ऐसे मिला हुआ है, तो ये साइन ए सेम वन पॉइंट टू की जगह पे मैं साइन थर्टी रख सकता हूं, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन पॉइंट टू, ठीक है ना। तो मैंने साइन ए रखा और वन पॉइंट टू की जगह पे रखा साइन थर्टी, तो कहने का मतलब ए की वैल्यू क्या हुई, ए हुआ आपका थर्टी डिग्री, मतलब ये ए आया थर्टी डिग्री। अभी आपको फाइन क्या करना है, कॉट ए फाइन करना है, ठीक है, मतलब कॉट ए की जगह पे मैं थर्टी डिग्री रखूं, और कॉट थर्टी क्या होता है आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल उसमें आपको पता होना चाहिए, कॉट थर्टी होता है रूट थ्री, ठीक है। तो आप देखो इस मेथड से देखो कॉट ए रूट थ्री आया, और इस मेथड से भी कॉट ए रूट थ्री आया, ठीक है ना, रूट थ्री होता है, कॉट थर्टी जो होता है वो रूट थ्री होता है। तो इस तरह ये दो मेथड कराए, एक और मेथड है मैं आपको वो भी करा रहा हूं, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये दोनों मेथड लिख लो, तीसरा भी मेथड करा रहा हूं। देखो आपको नॉलेज होना चाहिए, जितना नॉलेज होगा बेटर होता है, ठीक है ना। तो देखो मैं तीसरा मेथड करा रहा हूं, अभी इसमें आपको कॉट ए फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसमें ट्रायंगल वाला मेथड, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, मीन्स इस तरह होगा, आप देख सकते हो। आपको देखो एग्जाम में कोई भी एक मेथड करना है पर आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें ए इधर लिख रहा हूं, बी इधर लिख रहा हूं, सी इधर, ये ध्यान रखना साइन ए मिला हुआ है, और जो ए होता है ना वो एक्यूट एंगल होती है, तो ए यहाँ पे नहीं रख सकते आप, ध्यान रखना ए यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो चलेगा, पर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने ए यहाँ पे रखा, बी और सी कहीं पे भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ए इधर नहीं रखना, ये ध्यान रखना ए 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये मेन ध्यान रखना है ओके। तो अभी साइन ए इक्वल टू वन पॉइंट टू है, तो साइन की फॉर्मूला क्या होती है, ऑपोजिट साइड डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, तो ये ए है, ए का ऑपोजिट ये है, मतलब ये वन अपॉन टू है, तो बी सी वन हुआ, ये ऑपोजिट साइड और ये हाइपोटेन्यूज टू हुआ, ठीक है ना, इस तरह होगा। ए के हिसाब से साइन की फॉर्मूला होती है ऑपोजिट डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज, तो ए का ऑपोजिट बी सी है, मतलब बी सी वन हुआ, और हाइपोटेन्यूज ए सी है, मतलब वो टू हुआ, ठीक है ना, इस तरह। तो अभी ये ट्रायंगल आप देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज अ राइट एंगल, ठीक है, एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो क्या करोगे आप, पाइथागोरस की फॉर्मूला लगाओ मैं, मींस ऐसे होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे होगा, तो देयरफॉर ये ए सी वैल्यू पुट करूं मैं, ए सी की जगह मैं टू रखूंगा, टू की स्क्वायर, और ए बी आपको नहीं मिला हुआ वो फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है वन है, वन की स्क्वायर, टू की स्क्वायर क्या हुआ फोर, और ये ए बी स्क्वायर से प्लस वन की स्क्वायर वन, ये फोर प्लस वन ऐसे आ जाएगा माइनस वन इक्वल टू ए बी स्क्वायर, फोर में से वन गया थ्री, थ्री इक्वल टू ए बी स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आ जाएगा रूट हो जाएगा, मीन्स ए बी इक्वल टू क्या हुआ रूट थ्री हुआ, ठीक है ना, रूट थ्री हुआ, ए बी की वैल्यू जो हुई वो रूट थ्री आया, ठीक है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, कॉट ए फाइंड करना है, तो देखो कॉट ए, अभी कॉट ए की फॉर्मूला, कॉट की फॉर्मूला क्या होती है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड ऑपोजिट साइड, तो आपको ए का सोचना है, ए का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ए बी है, ठीक है, एडजेसेंट साइड ए का एडजेसेंट साइड ए बी, और ऑपोजिट साइड ए का ऑपोजिट बी सी, ठीक है, ये फॉर्मूला होगी कॉट ए की, और ए बी आपका क्या है रूट थ्री है, और बी सी वन है, रूट थ्री अपॉन वन मतलब क्या हुआ रूट थ्री, ठीक है। ये तीसरा मेथड भी कर रहा है, आपको कोई भी एक ही मेथड करना है पर नॉलेज सबका होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह तीनों मेथड में से आप कोई भी एक मेथड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया ओके। अभी इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, देखो 15 नंबर पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग समझ रहे हैं, देखो क्या बता रहे हैं, इफ दी रेडी ऑफ टू सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश, मतलब दो सर्कल है
जिनका रेडियस मिला हुआ है जिसका सेंटर है O और O डैश आर 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, मीन्स दो सर्कल का ये रेडियस मिला हुआ है, ठीक है ना। एक सर्कल का 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, दूसरे सर्कल का रेडियस मिला हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जिसका सेंटर O और O डैश है। ऐसे दो सर्कल है, एक का रेडियस मिला हुआ है 7 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या उधर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस, जो सेंटर है ना O और O डैश, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बता रहा है 12 सेंटीमीटर है। इन हाउ मेनी पॉइंट्स डू द सर्कल इंटरसेक्ट, तो ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को कितनी पॉइंट्स पे टच करेगा, कितनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले हम दो सर्कल निकाल रहे हैं और एक का सेंटर दे रहे हैं नाम हम O, और दूसरा सर्कल निकाल रहे हैं जिसको हम सेंटर का नाम दे रहे हैं O डैश, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो ये अगर जो ऐसे हो, ठीक है, ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, इसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर जो हम ये देखो O और O डैश के बीच में डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर बता रहा है एक O और O डैश। अभी आप खुद सोचो ये जो है 7 है, ये 10 है, बीच में भी और डिफरेंस भी है। तो कहने का मतलब अगर जो दोनों सर्कल अलग अलग रखेंगे, एक भी पॉइंट पे टच नहीं करेंगे, तो O और O डैश के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना वो 17 से ज्यादा होगा, 17 से ज्यादा होगा। क्योंकि आप ये दे सकते हो ये 7 है, ये 10 है, बीच में और गैप है, तो 17 से ज्यादा हो गया ना। तो डिफरेंस O और O डैश के बीच में 17 से ज्यादा हो ना, तो कहने का मतलब वो कहीं पे भी टच नहीं करेंगे दोनों सर्कल। पर अगर जो ऐसे मैं निकालूं सर्कल एक ही पॉइंट पे टच करें, आप खुद सोचो, देखो एक ही पॉइंट पे टच करें, तो देखो ये एक O है और ये O डैश है। अभी ये जो है ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये है 7 और ये है 10। अगर जो एक पॉइंट पे टच करेंगे तो O और O डैश के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 17 होगा, बरोबर ना, 17 का होगा एक ही पॉइंट पे टच करेंगे तो। पर अगर जो ऐसा हो, समझना अच्छे से, अगर जो ऐसा हो दो पॉइंट पे टच करे, इसका सेंटर O और इसका सेंटर O डैश, ठीक है ना, O डैश। तो देखो ये आप देखो, अगर जो O और O डैश में अभी देखोगे यहां से लेकर ये सेंटर है, मीन सॉरी रेडियस है, यहां से लेकर ये रेडियस है। तो कहने का मतलब अगर जो दो पॉइंट पे टच करेंगे तो O और O डैश के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 17 से कम होगा, और आपको वही मिला हुआ है। यहां पर 12 है, देखो आप ये जो बोल रहा है ना डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो उन दोनों के बीच में, सेंटर के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 है, 17 से कम है। तो 17 हमारा क्या है, देखो अगर जो 17 से ज्यादा होगा, 17 से ज्यादा होगा, तो एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं करेंगे, और अगर जो एक ही पॉइंट पे टच करेंगे तो उन दोनों सेंटर के बीच में डिफरेंस 17 आएगा, 17 आएगा। पर यहां पे तो 17 से भी कम हुआ है, तो 17 से कम होगा तो कहने का मतलब वो सर्कल जो है एक दूसरे को दो पॉइंट पे टच करेंगे, तभी 17 से कम होगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें आंसर क्या आएगा, इन हाउ मेनी पॉइंट्स बोल रहे हैं वहां पे 2 पॉइंट्स पे, भाई ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स, तो इसका आंसर हुआ 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। ये आपको ऐसे लिखना है, आपको एक ही सेंटेंस में आंसर देना है। तो कैसे हुआ 2 पॉइंट्स, ये आपको सर्कल निकाल के सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह होगा। तो ये हो गया हमारा 15 नंबर। अभी हम 16 नंबर देखें, 16 में देखो क्या बता रहा है, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या होगा ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का रेडियस क्या होगा, इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर है वो सर्कल, विद साइड्स ऑफ लेंथ, अभी ट्रायंगल की जो साइड है उसकी लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर। तो देखो इसका अगर जो हम पहले स्क्वायर करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा किस तरह, पहले वो सोचे। देखो ये 12 है तो 12 की स्क्वायर कर रहा हूं 144 होगी, इसी तरह 35 की स्क्वायर करूं, 35 × 35 तो 1225 होगा, इसी तरह 37 की स्क्वायर करूं, 37 × 37 तो 1369 आएगा, बराबर। अगर जो आप चेक करोगे ना, यहां पे आप चेक करो 12² + 35², 12 की स्क्वायर आपकी 144 आई और 35 की स्क्वायर 1225 आई,
दोनों का प्लस करोगे 1369 और 1369 जो है वो 37 की स्क्वायर है। क्या है? 37 की स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इक्वल टू 37 स्क्वायर। कहने का मतलब दो साइड का जो टोटल है तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। दो साइड की स्क्वायर का टोटल तीसरी साइड की स्क्वायर के बराबर है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, पाइथागोरस की फार्मूला बन गई है, बराबर ना। तो इसमें आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 37 होगा और बाकी एक को 12 और एक को 35 ले सकते हो जो राइट एंगल बना रहे हैं। सपोज करो मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, तो जिसमें ए सी हुआ वो 37 होगा और ए बी जो होगा वो आप 12 या 35 जो भी ले सकते हो, मैं 12 ले रहा हूँ, बी सी 35 ले लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसके अंदर सर्कल है, सर्कल उसके अंदर है, समझना अच्छे से, और तीनों साइड को टच कर रहा है, इंस्क्राइब्ड बोल रहा है, मतलब तीनों साइड को टच कर रहा है, सर्कल इस तरह है, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटर है, तो आप ये चेक करोगे ये रेडियस, ये चेक करोगे ये रेडियस, ये चेक करोगे ये रेडियस, तो आपको रेडियस ही फाइंड करना है। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल में रेडियस फाइंड करना हो, सर्कल इंस्क्राइब्ड हो, मतलब तीनों साइड को टच कर रहा है, तो उसकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेडियस फाइंड करने की फॉर्मूला है, जो राइट एंगल बना रहे हैं ए बी और बी सी, राइट एंगल बना रहे हैं उन दोनों का प्लस होगा, ए बी प्लस बी सी, जो राइट एंगल बना रहे हैं ए बी और बी सी, और हाइपोटेन्यूज माइनस करेंगे, माइनस ए सी और उसको टू से डिवाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कल हो उसका रेडियस फाइंड करना हो, रेडियस की फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू जो राइट एंगल बना रहे हैं ए बी और बी सी, राइट एंगल बना रहे हैं उन दोनों का प्लस, हाइपोटेन्यूज माइनस करना है एंड टू से डिवाइड करना है, ये फॉर्मूला है, ओके ध्यान रखना। अभी ए बी आपका क्या है 12 है और बी सी क्या है आपका 35 है और ए सी आपका 37 है, ठीक है, डिवाइडेड टू। अभी क्या करूंगा, दोनों का प्लस करूं, 12 और 35 47 में से 37 माइनस करूं 10, तो 10 आया प्लस माइनस करने से डिवाइड टू, अभी 10 को 2 से डिवाइड करूं मतलब 5, तो आपका जो रेडियस आया वो 5 सेंटीमीटर आया। क्या आया? 5 सेंटीमीटर, ये आपको रेडियस मिल गया, ठीक है, हमें रेडियस फाइंड करना था। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आज हमने 11 से लेकर 16 तक जिसमें आंसर था क्वेश्चन देना है वन सेंटेंस में या वन वर्ड में, वो कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें कि सबको इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।